हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2E। अभ्यास 2E मैंने पहले क्लास में पूरी कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2E। अभ्यास 2E का भी मैंने बेसिक एक क्लास में पूरा कराया है, जिसका भाग 1 मैंने पढ़ा रखा है। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2E को, ठीक है। तो ये जान लेते हैं कि 2E में क्या है। जो मैंने पीछे कक्षा में बताया था आपको कि मानक रूप क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, उसी पर आधारित सभी सवाल है। देखिए, अगर आपने पिछली कक्षा जरूर देखी होगी तो आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएगा। अगर आपने कक्षा पिछली कक्षा नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली कक्षा को देखिए, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और तभी क्लास देखिए, वरना क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल में क्या कहा गया है, इसको इस संख्या जो संख्या में दी है ये वाली, इसको मानक रूप में लिखना है। मतलब देखो क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। देखो मानक, जैसे कि इसी संख्या को, मतलब जैसे कि इसे देखते हैं, इस संख्या को यहाँ पर 10 की घात में बीच में 1 से लेकर 10 के बीच में दशमलव लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन पढ़ा रखी है, देखो उसको फॉलो करते हैं। इसका क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, मैंने बताया था मानक रूप क्या होता है। देखिए, इस अगर हम इधर से इधर चलेंगे, ठीक है, दशमलव हम पता है यहाँ पर लगनी है बीच में, ठीक है, यहाँ पर लगनी है फर्स्ट पहले दूसरे संख्या के बीच में दशमलव लगती है, मैंने बता रखा है, ठीक। तो ये तो बात पक्की है, दशमलव यहाँ पर लगेगी। तो मैंने कहा था अगर इधर से इधर चलेंगे, मतलब दाएं से बाएं चलेंगे, तो हमारा 10 की घात कैसे हो जाएगी हमारी प्लस की। और अगर बाएं से दाएं चलेंगे, मतलब इधर से इधर चलेंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। देखिए, इसमें हमें इधर से इधर चलना पड़ेगा, यहाँ पर दो संख्या है जिनका कुछ मान नहीं होता है, ठीक है। देखिए कितनी संख्या चल रही है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या चल रहा है। तो उत्तर यह हो जाएगा 6.2 × 10⁸। अब 10⁸ क्यों आया, देखिए प्लस का आया 10⁸, ठीक है, बाएं से बाएं तो प्लस क्या आते हैं हमारे, ठीक है। 10⁸ क्यों आया, देखिए 10⁸ इसलिए आया क्योंकि जब हम यहाँ पर पॉइंट आया, यहाँ पर यहाँ से हमें कितनी संख्या खोदनी पड़ी, 8, 3 और 3, 6 और 2, 8, ठीक है, 8 संख्या खोदनी पड़ी, इसलिए यहाँ 10⁸ आया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप होता है बस। अब देखिए, अब इसमें ये करना है, इस संख्या को भी वैज्ञानिक संकेतन में लगाएं। देखिए वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप एक ही बात होती है, थोड़ा घुमा फिरना चक्कर होता है, जिससे बच्चा कन्फ्यूजन में डल जाए, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, 0.0008 इसका क्या लिखना है। देखिए वैज्ञानिक संकेत मतलब मानक रूप ही लिखना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या है, इसमें करेंगे, इसमें देखिए संख्या इधर है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से घूमकर इधर आना पड़ेगा, मतलब माइनस की घात आएगी हमारे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 8.0 × 10⁴ इसकी घात कितनी आ जाएगी, -4, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसी पर आधारित सारी सवाल है, सॉरी 1 0 यहाँ पर छुट गई है, तो यहाँ पर 10⁵ आएगा क्योंकि यहाँ पर छुट गई थी 0, ठीक है। अब देखिए वाला सवाल, देखिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। मतलब वैज्ञानिकों का संकेत है, मतलब वैज्ञानिकों क्या है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले उसकी उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा का वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करनी है, ठीक है, तो इसके वैज्ञानिक संकेतन बताना है बस 460 करोड़ का, ठीक है। देखिए इसको करते हैं, इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर लिखेगा नहीं। सवाल नंबर 3 का हल तो लिखेंगे, चंद्रमा की आयु बराबर 460 करोड़, इकाई ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब आया कि मैं, देखिए अगर आप 460 करोड़ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अरब आएगा, ठीक है। तो अगर हम पढ़ते 46 करोड़ तो फिर क्या आता है, ये रट जाए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखना है, तो इसका मानक रूप हो जाएगा, देखिए मानक रूप बराबर
4.6। अब कितनी संख्या कूद कर आया देखे जर से, अगस्त क्या आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या कूद कर आया तो उसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी 9, ठीक है, और उसकी हो जाएगी ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, लिखते हैं 100 नंबर 3 और देख लेते हैं 100 नंबर 4। देखिए 100 नंबर 4 में क्या करना है, पृथ्वी की सूर्य का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी का मान रूप में व्यक्त किया, मतलब मानव रूप में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, मैंने जो पहले सवाल में किया था ऐसे इसमें करना है। देखिए इसको करते हैं, लिख लेते हैं 15 डबल 0। क्या करना है, मानव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मानव रूप में व्यक्त करेंगे, देखिए वही करना जैसे क्या था 1.5 × 10 की घात। क्या करते हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे। ठीक है, और एक 8 हमारा 5 भी का है, 10 की घात हमारे वहाँ पे इधर को चलाए तो प्लस की हो जाएगी हमारी, देखिए प्लस की घात है। ठीक है, अगर हम इधर से इधर को चलते, मतलब इधर से इधर को चलते तो हमारी घात क्या हो जाती माइनस की। ठीक है, वो आप सभी डाउट हमने पिछले वीडियो में जो पिछले भाग पढ़ा रखा है इसमें क्लियर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से तो पिछली वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए उस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98×10²² है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे, मतलब रखने होंगे। ठीक है, ये हल करते हैं इसको, जब इसको हल करेंगे देखिए तो फिर पहले सवाल उतार लेते हैं 5.98×10²। देखिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 598×10²² बटे हम देखिए 100 क्या लिख सकते हैं, 100 को मैं भी लिख सकते हैं 10×10, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 10×10 क्या है, देखिए 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, 10 की घात 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, इस एक घात में से एक एक घात कट जाएगी, कितनी रह जाएगी 20 रह जाएगी। ठीक है, मतलब अब देखिए 598×10²² 20/10। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें इसी घात इसे कितने करना पड़ेगा, इसे लिख देते हैं पीढ़ी मोड 10 की घात 20, तो 10 की घात कितनी आई है 20 आई है, तो क्या करना पड़ेगा इसके आगे 598 आएगा, तो 20 0 लगानी पड़ेगी, ये हमारा इसके सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 0 रखने होंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या करना है, देखिए निम्नलिखित संख्या हो वैज्ञानिक संकेतन में करना है, मतलब जो हमें संख्या दी है 1, 2, 3, मतलब 4 सवाल है, ये संख्या दी है इनको वैज्ञानिक संकेतन में, मतलब मानक रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे पिछले सवाल में कहना ऐसे लिखेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 1 को, इसमें दिया जाएगी संख्या दी है 1,25,50,000,10,0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 0,
रूम में लिखेंगे 4.25000, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको मानव रूम में लिख देंगे, ये देखिए 4 पॉइंट, यहाँ आपको पता है मतलब समझो यहाँ पर पैर देंगे तो जंगल की छू लगने, ठीक है। अब क्या करेंगे, घात चढ़ाएंगे, देखिए 4.25000 गुणा 10 की घात कितने लिखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखेंगे 10 की घात 6, और प्लस क्या है क्योंकि हम इधर से इधर चले हैं, ठीक है, तो प्लस की घात आएगी। अब देखिए इसको लिखते हैं सवाल नंबर 2 को, 2,20,00,000 को क्या लिखना है, तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, हल करते हैं। सबसे पहले तो 2,20,00,000 रुपये लिखेंगे, 2,20,00,000 हो गया, इसे क्या करेंगे मानव रूप में मतलब वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या है, इसमें करेंगे 2.20,00,000, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और क्या करेंगे, घात चढ़ा देंगे, घात कितनी लिखेंगे, लिखेंगे 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की घात 7 हो जाएगी, यही हमारा
फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखें क्या क्या ऐसी है, दो इसके 2.20 लाख, मतलब 2 करोड़ 20 लाख, जैसे पॉइंट लगा दी तो इसकी बात कितनी हो जाएगी, 7 है प्लस की आएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वैज्ञानिक संकेत लिखना है। देखिए इसमें माइनस जो है इसी इधर से इधर चलेंगे, क्योंकि संख्या में रहती है, इधर जीरो कोई मान नहीं है, पता है आपको, इसको करते हैं देखिए 4.5 गुणा 10 की घात कितनी लिखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पाँच लिखेंगे, और वो भी माइनस की लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम इधर से मतलब बाई से दाएं चलते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 की घात कितनी करेंगे, घाता करेंगे, मतलब माइनस ही करेंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें माइनस ही आएगी 2.5 गुणा 10 की घात 1, 2, 3 ऐसे हाथ आगे कितनी आएगी, 3 आई माइनस की आई होगी, ठीक है। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी होगी। और अब आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, अब अगली क्लास देखेंगे, इसमें 2 सवाल रह गए हमारे 7 और 8, उसमें कुछ भाग भी है, तो उन भागों को हम कल देखेंगे, कल एक क्लास में पूरा कराएंगे, तब तक के लिए वीडियो देखेंगे।